हेलो फूडीज, वेलकम टू रैश फूड बुक। मैं हूँ रश्मि। आज हम घर पर ही दो तरीके से पिज्जा सॉस कैसे बनाएं ये देखेंगे। फर्स्ट मेथड सुपर इजी है, आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। एंड जो सेकंड मेथड है वो भी इजी है, बट एज कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट फॉर बेटर टेस्ट आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। सो चलिए हम पिज्ज़ा सॉस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक छोटा सा बोल, इसमें हम लेंगे शेजवान चटनी 3 चम्मच। शेजवान चटनी जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिच एंड फ्लेवरफुल होता है, इसमें स्पाइसी और टैंगी टेस्ट होता है जो कि अपने पिज्ज़ा सॉस को एकदम अपलिफ्ट कर देगा। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, मैंने यहाँ पे लगभग 2 टीस्पून डाला है। बेसिकली ये तो एकदम इंस्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे तो आप अपने हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे पिज्ज़ा सीजनिंग 1/2 टीस्पून। अभी जो पिज्ज़ा सीजनिंग है ना, इसी से हमारे पिज्ज़ा का जो सॉस है उसको एकदम अच्छा ओरिजिनल फ्लेवर आएगा। और हम इसमें फाइनली डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। एंड दैट्स इट, हमें बस इसे मिक्स करना है और हमारा फर्स्ट मेथड से पिज्ज़ा सॉस रेडी है। ये एकदम इंस्टेंट था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घर में अवेलेबल चीज़ों से बस मिक्स करना है एंड दैट्स इट, आपका पिज्ज़ा सॉस रेडी है। सेकेंड मेथड के लिए मैंने यहाँ पे पैन को हीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास वाटर। सिक्स ड्राइड रेड चिली, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं ड्राइड वाली, बस आपको थोड़ी डबल क्वांटिटी में लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें तीखापन कम रहता है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने यहाँ पे 4 टमाटर को हाफ कट कर दिया और उसका जो आई होता है वो रिमूव कर दिया है, इससे हमें जो उसका स्किन है वो रिमूव करने में इजी पड़ेगा। तो अब टमाटर को भी इसमें हम प्लेस कर देंगे, मैंने उसका स्किन वाला पोर्शन नीचे रखा है क्योंकि मेन हमें यहाँ पे स्किन को ही निकालना है। अब इसे एक लिड की मदद से क्लोज कर देंगे और अच्छे से कुक होने देंगे जब तक कि टोमेटो अपना स्किन छोड़ना ना स्टार्ट कर दे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 to 10 मिनट्स में ये हो जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं हमारे टोमेटो रेडी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं एकदम स्किन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है टोमेटो ने, तो अब हम इसके स्किन को रिमूव कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा ये। आप एक स्पून की मदद से एक बार प्रेस कीजिएगा और फिर आराम से स्किन निकल के आ जाएगा और बस आपको स्किन को हटा लेना है। ये स्किन हमारे कोई काम का नहीं है, सो मैं इसको अलग कर ले रही हूँ। अब हम ये जो ड्राइड रेड चिल्ली था और टोमेटोस था इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एक मिक्सचर जार में हम ये टमाटर और जो सूखी लाल मिर्च है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ टमाटर और सूखी लाल मिर्च को ही ले रही हूँ, उसका जो पानी है जो एक्स्ट्रा उसे आप साइड रखिएगा, हम बाद में उसको यूज़ करेंगे। पानी मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि वो अभी गर्म है, एकदम गर्म है तो आपको हैंडल ही नहीं करना है, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। और अगर पानी डाल के आप करेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो लीक आउट कर जाए, आपके ऊपर फेंका जाए। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक पैन गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, बारीक कटा हुआ लहसुन 7 से 8 कलियाँ
और उसे अच्छे से सौते करेंगे। अब इस स्टेज में हम डालने वाले हैं हमारा पिज्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स। इससे एकदम पूरा जो फ्लेवर है पिज्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स का, वो पूरा ऑयल और गार्लिक में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 teaspoon पिज्ज़ा सीजनिंग एंड 1 teaspoon चिली फ्लेक्स। इसे भी थोड़े देर कुक करेंगे, एकदम ज़्यादा आपको नहीं करना है कुक। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो टोमेटो और रेड चिली का पेस्ट था वो, और इसे अच्छे से सौते करेंगे फिर से। अब जो हमने पहले बचा के रखा था ना वो पानी, वो यूटिलाइज करेंगे। अब उसे मैं डाल दूंगी हमारे इस सॉस में। फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon विनेगर, 1/2 teaspoon शक्कर, 1 नमक स्वाद अनुसार, 1/2 teaspoon थोड़ा सा टोमेटो केचप। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 teaspoon टोमेटो केचप यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड लो फ्लेम पे फिर से आपको थोड़े देर कुक होने देना है। वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा और एकदम अच्छी सॉस वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने 2 types ऑफ पिज्ज़ा सॉस बना लिए। एक तो बहुत ही इंस्टेंट था, दूसरा भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। आप दोनों ट्राई करके देखिएगा, अगर कम टाइम हो तो फर्स्ट मेथड यूज़ कर लिएगा और थोड़ा टाइम निकाल के सेकेंड मेथड भी ट्राई ज़रूर करना। जो सेकेंड मेथड से बनाया हुआ पिज्ज़ा सॉस है उसे बना के एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 1 week तक, और जब चाहे तब चाहिए तो पिज्ज़ा बेस या फिर आपका नॉर्मल ब्रेड में भी स्प्रेड करके आप अगर ओवन में एक बार हीट कर दे तो एकदम पिज्ज़ा वाला टेस्ट आता है। सो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और स्टे ट्यून्ड, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ। सो उसमें आपको पिज्ज़ा का बेस से लेकर पूरा टॉपिंग तक हर चीज़ होममेड रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।